Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 को अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 के नाम है। एक्सरसाइज 4.4 जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 4.2 हमारी मेन एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टॉपिक पढ़े, फॉर्मुलाज देखे, एप्लीकेशंस देखे, डेरिवेटिव को अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर। तो वो एक्सरसाइज एक मेन एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद सिर्फ हलवे को खाने वाला काम है, यानी कि 4.3 और 4.4 के अंदर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है तो सही, मगर कोई नई कोई चीज नहीं है, क्योंकि 4.2 के अंदर आप मेजोरिटी काम पढ़ चुके होते हैं। तभी 4.3 बहुत जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट करी लास्ट क्लास के अंदर, जो कि इम्प्लीट इक्वेशंस के ऊपर थी। तो मेरा बेटा कहने का मकसद यह है कि आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, इसके स्टार्टिंग के अंदर इंट्रो के अंदर एक बात बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 4.4 का मेन टॉपिक पैरामेट्रिक इक्वेशंस का है, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन हर साल लाजमी पेपर में पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं? जी नहीं मेरा बेटा, अगर आप एक्सरसाइज 4.2 को मुझसे पढ़ रहे थे और आपने उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप इजीली 4.3 और 4.4 को बहुत हलवे की तरह कर सकते हो। जिस तरह मैंने 4.3 करवाई वैसे इंशाल्लाह 4.4 भी बहुत इजीली कर लोगे। बस कहना ये चाहूंगा अगर 4.2 वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो काइंडली पहले जाके वो लेक्चर्स देखो, क्योंकि उन तमाम लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ना सिर्फ प्रॉपर टॉपिक्स कवर करवाए, चाहे वो टॉपिक्स डेरिवेटिव्स के डिफरेंट फंक्शंस वाले थे, पावर फॉर्मूला हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, या लॉगरिथम बेस्ड फॉर्मूलाज हो, या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो, या एक्सपोनेंशियल के हो, चाहे उसमें कॉमन हो, नेचुरल हो, या फिर प्योर हो। हमने ना सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ा था बल्कि उनकी रेलिवेंट एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में आपको करवाता रहा था, जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर अक्सर एमसीक्यूज के तौर पर आती हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने उसकी बुक के क्वेश्चन भी करे थे। तो भाई वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली जाके एक्सरसाइज 4.2 के लेक्चर्स लाजमी व्यू करें, उसके 4.3 और 4.4 को स्टार्ट करें, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का 4.2 के अंदर है। 4.3 और 4.4 तो सिर्फ हलवा है, आपको सिर्फ टॉपिक्स को यूज करना है, उन टॉपिक्स को जो आप पढ़ चुके हो। तो भाई अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 4.4। तो ये थोड़ी सी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बातें कर ली। एक्सरसाइज 4.4 डिपेंड कर रही है बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में या पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। अब जहन में एक बात आती है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। भाई मेरा बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन दो इक्वेशंस को कहते हैं जिसके अंदर आने वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, सेम हो। सर क्या मतलब? मैं पहले दोबारा भी बात रिपीट करता हूं, पैरामेट्रिक इक्वेशन हम ऐसी दो इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा हो वो सेम हो। अच्छा भाई, यानी कि अपनी बात को जरा समझते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपको गिवन है, या एक फंक्शन आपको गिवन है x की रिस्पेक्ट से, या फिर इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का 5t ले लेते हैं, और एक और इक्वेशन गिवन है आपको y इज इक्वल टू 44 या 40 स्क्वायर माइनस का 3t की पावर क्यूब प्लस का 2t। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये इक्वेशन कौन सी है? देखो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अब हमें कैसे पता चलेगा आया ये इक्वेशन पैरामेट्रिक है नहीं है? भाई ये दोनों इक्वेशन जो गिवन है, देखो इन दोनों में जो वेरिएबल आ रहा है वो वेरिएबल क्या है, सेम है। यानी कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इसके ऊपर भी टी के रिस्पेक्ट से ले रहूंगा, इसके ऊपर भी टी के रिस्पेक्ट से ले रहूंगा, क्योंकि भाई यहां पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, टी। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर आज तक एक बात बताई, या तो आप डेरिवेटिव एग्जामिनर की मर्जी से लेते हो, वो क्वेश्चन के अंदर लिख के आपको देगा कि आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, नहीं तो इम्प्लीट इक्वेशन के अंदर हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट से लेते हैं, या फिर जो आपको फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को देखते हुए लोगे। ये एक्स और वाई फंक्शन नहीं है, सिंपल एक्स लिखा हुआ है, इस बात को आपने अपने जहन में रख लेना भाई, या तो आप अपने जहन में सोचना स्टार्ट कर दो। आपने तो कहा था सर कि अगर जो फंक्शन होगा उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो, तो मेरा बेटा फंक्शन नहीं गिवन है, सिंपल एक्स गिवन है आपको, ये सिंपल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल गिवन है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी दो इक्वेशन जिसमें आने वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, सेम हो। देखो ये इक्वेशन भी टी के रिस्पेक्ट से गिवन है, ये भी इक्वेशन टी के रिस्पेक्ट से गिवन है, तो जब इसमें भी डेरिवेटिव लोगे टी के रिस्पेक्ट से, इसमें भी डेरिवेटिव लोगे किस रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से। क्लियर है भाई? मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास एक और इक्वेशन आ रही है जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 2z, और एक और इक्वेशन आ रही है आपके पास 4z की पावर 4 प्लस
थ्री जेड स्क्वायर ले लो और प्लस का 2z ले लो। अब देखो आपके पास अगेन दो इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे, इन दो इक्वेशन में क्या हो रहा है, जो वेरिएबल आ रहा है वो वेरिएबल इस इक्वेशन में भी बेटा सेम और इस इक्वेशन में भी सेम है, तो ये कैसी इक्वेशन है, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आप सोच रहे हो सर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, एक को इक्वेशन वन कहेंगे दूसरे को टू कहेंगे, कैसे करते हैं? तो मेरा बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत यूनिक होता है और बहुत मजे का होता है। आपको लग रहा होगा शायद पता नहीं बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट बिलीव मी हो सकेगा तो इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो खाली एक और लेक्चर लगेगा वो 10 से 15 मिनट का होगा, ज्यादा का इनफ ज्यादा नहीं हो सकता हो, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। हमने मेन काम, अगर मैं बार बार अपने इंट्रो के अंदर ये बात कहता हूँ तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल है कि 4.2 आपकी मेन एक्सरसाइज थी, वो अगर आप में से किसी को इंशाल्लाह करनी आ गई, और मुझे यकीन है मेरे लेक्चर देखने के बाद मेजॉरिटी आवाम को इंशाल्लाह आ चुकी होगी या सबको ही आ चुकी होगी, तो 4.3 और 4.4 मुश्किल नहीं है, बट हर साल इनसे पेपर क्वेश्चन में लाजमी आता है। ये बात बच्चे को बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। अब देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, चेन रूल होता है, कैसे अप्लाई करते हैं आइए देख लेते हैं अभी जरा। तो बेटा चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल आपसे कहता है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज है dy by dx, क्या है dy by dx, हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर चेन रूल को ऐसे अप्लाई करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन के ऊपर जब t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे और जाहिर सी बात है दूसरी इक्वेशन के ऊपर भी उसी सेम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे, एंड देन बाद में उन दोनों इक्वेशंस को हमेशा डिवाइड करवा देते हैं। तो चेन रूल क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात को आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी एक छोटी सी इक्वेशन लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, और एक और आपके पास इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस z की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल ये दो आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ रही हैं। इस इक्वेशन के अंदर भी आपके पास जो वेरिएबल है वो सेम है और इस इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या है, z ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशंस के जरिए होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, चेन रूल के ऊपर। चेन रूल क्या कहता है, अगर अभी आप में से किसी को मसला हो रहा है समझने के अंदर क्लियर कर रहा हूं, पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है चेन रूल। यानी कि जाहिर सी बात है यहां पे भी जब z की रिस्पेक्ट से आपको वेरिएबल्स गिवन है तो जब डेरिवेटिव लोगे इसका तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dy / dz बनेगा। जब z वेरिएबल्स गिवन है तो इस इक्वेशन के ऊपर जब डेरिवेटिव लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, dy / dz। और इस इक्वेशन के ऊपर भी चूंकि आपको वेरिएबल क्या गिवन है, z ही गिवन है, तो इस इक्वेशन के ऊपर भी जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx, क्योंकि अब x है तो क्या बन जाएगा dx / dz, z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा dx / dz। जब आप दोनों इक्वेशंस के ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हो उन्हीं के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से, देन उनको इक्वेशन वन और टू कंसीडर करते हैं और फिर उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा देते हैं ऐसे कि y वाली टर्म ऊपर रहे और x वाली टर्म नीचे रहे, या सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या है dy / dz को मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे, dx / dz से, तो नीचे वाली टर्म हमेशा नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देती है, फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा होगा dy / dx। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज टर्म्ड एज चेन रूल। मैं दोबारा अपनी बात को आसान जबान में कन्वे कर देता हूं, क्वेश्चन भी समझ लेंगे, मुझे यकीन है। देखो अगर मैं पहले क्लियर कर देता हूं या थ्योरी पढ़ा देता हूं उसका फायदा क्या होता है, 80% बात बच्चों को समझ में आ जाती है, बाकी 20% बात जब हम प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करते हैं तो बच्चा वैसे ही सीख लेता है। तो भाई चेन रूल आपसे क्या कहता है, मैं दोबारा इस तमाम वर्किंग को रिपीट कर देता हूं। चेन रूल बहुत छोटा सा रूल है, बड़े मजे का रूल है, बहुत ईजिली होता है, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं जितना भी आपको जहन में लग रहा है, बहुत आसान सा रूल है। ये कहता है कभी भी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन हो, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, मैंने उसकी एक एग्जांपल दी और कि भाई आपको एक इक्वेशन गिवन है, यहां पे जो आपको वेरिएबल गिवन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं आपके हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको जो वैल्यूज गिवन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर सेम आ रही है दो इक्वेशंस के अंदर, यानी कि इस इक्वेशन में भी आपको वेरिएबल z गिवन है और इस इक्वेशन में भी वेरिएबल z गिवन है, या फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल t गिवन है और इस इक्वेशन में भी आपको वेरिएबल t गिवन है, यानी कि दो इक्वेशंस के अंदर आने वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम है तो क्या कहलाएंगे, वो आपको कहलाते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा चेन रूल के ऊपर। चेन रूल आपसे क्या कहता है, ये रूल सिंपल सी बात कहता है, जाहिर सी बात है अगर पहली इक्वेशन होगी तो आपके वेरिएबल किसकी रिस्पेक्ट से गिवन होंगे, उसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहां पे z की रिस्पेक्ट से आपको वेरिएबल्स गिवन थे, यानी कि z स्क्वायर z क्यूब, तो ऑब्वियसली मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई करूंगा, z की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा यहां पे, जब z की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा इधर बन जाएगा dy / dz, और यहां पे इस इक्वेशन को वो डेरिवेट हो जाएगा। सेम गोस फॉर हियर। अब मैं दूसरी इक्वेशन देखूंगा, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल z होगा, अगर वेरिएबल सेम होगा तभी तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यहां पे
भी चूंकि z ही वेरिएबल होगा तो यहां पे भी क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा z की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा dx डिवाइड बाय dz। तो अब हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हुआ करोगे तो सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया करोगे, एक को इक्वेशन 1 कहां कहोगे और एक को इक्वेशन 2 कहां कहोगे। और फिर फार्मूला क्या कहता है चेन रूल का, dy बाय dx, यानी कि आप y वाली इक्वेशन को ऊपर रखा करोगे और पूरी की पूरी इक्वेशन डेरिवेटिव होने के बाद, और x वाली इक्वेशन को नीचे रखा करोगे, उससे हुआ क्या करेगा सेम वेरिएबल उनके कैंसिल आउट हो जाया करेंगे, आपके पास जो आंसर आया करेगा वो dy / dx का आ जाया करेगा। यानी कि चेन रूल बहुत सिंपल सी बात करता है कि सेम वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से अपनी इक्वेशन को पहले डेरिवेट करवाया जाए, उसके बाद उनको डिवाइड करवा दिया जाए, डिवाइड करवाने पे आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर मेथड इज टर्म्ड एज चेन रूल। मुझे पता है आप में से हो सकता है एक आध को अभी भी मसला हो गया, सर पता नहीं आप क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं है, टॉपिक बहुत ईजी है, इसको ईजी रखो, कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, इसके दुश्मनी मत रखना। यकीन मानो जिस टॉपिक के बारे में ज़हन में गलत बात आ जाती है ना, वो आखिर तक वो टॉपिक फिर पेपर में भी साम बन के आता है। तो भाई टॉपिक के बारे में दुश्मनी मत रखा करो, कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, अभी क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह बहुत इजीली क्लियर होंगे, बस अपने ज़हन में छोटी-छोटी बातें जो करी है ना थोड़ी सी रख लेना, और अगर नहीं भी रख पाते कोई मसले की बात नहीं है, अभी क्वेश्चन पे जाएंगे तो वैसे क्लियर हो जाएगी तमाम बातें। अच्छा बेटा, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर तो हम उससे स्टार्टिंग से पढ़ लो तो आपको बात पता होगी कि भाई मैं नॉर्मली आसान क्वेश्चंस पहले करवाता हूं ताकि बच्चे को थोड़ा समझ में आए, एंड देन फिर मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं पहले आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कुछ बातें कर दूंगा जो बातें आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहला काम मैं डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा रहा हूं कभी फिजिकल क्लासेस के अंदर या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, हमेशा एक बात करता हूं, चाहे इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं हमेशा एक बात करता हूं कि भाई पहला काम आपने क्या करना है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि पहली बार सेकंड ईयर में आके टॉपिक पढ़ते तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके जहन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे तो लिखा हुआ डिटरमाइन डी बाय डीएक्स, अब कैसे पता चलेगा। सर वो जो इंप्लीट इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, जो इंप्लीट इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा एक्सरसाइज 4.3, उसके अंदर भी तो यही बात आ रही थी डिटरमाइन डी बाय डीएक्स, तो सर पता कैसे चलेगा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक कौन सा है। तो मेरा बेटा मुझसे पढ़ लो, मैं हमेशा हर चैप्टर के अंदर ये कुछ की पॉइंट्स बताता रहता हूं, चैप्टर नंबर 2 हो या 3 हो या 4 अब पढ़े हम लोग। तो भाई देखो क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा उसने क्या मांगा हुआ है। देखो हमने जो एक्सरसाइज 4.2 पढ़ी थी उसमें तो तमाम टॉपिक इंडिविजुअल थे कि पावर फॉर्मूला आपको कैसे पता चलना है, उसके अंदर मैं ट्रिक्स आपको बताता रहा, ट्रिग्नोमेट्री था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, या एक्सपोनेंशियल था, प्योर था, कॉमन था, हम सब वो करते गए। तो उसके तो अंदर आएगा सब, कंफ्यूज अब होने नहीं चाहिए क्योंकि 4.2 मैंने बहुत डिटेल में समझाई भी है। 4.3 और 4.4 का घपला आ जाएगा आपके जहन में कि सर वहां पे भी dy / dx है, यहां पे भी dy / dx है, कंफ्यूज हो जाएंगे सर। मेरा बेटा इंप्लीट इक्वेशंस के अंदर हमेशा एक इक्वेशन हुआ करेगी, हमेशा एक इक्वेशन हुआ करेगी अगर इंप्लीट इक्वेशन के मेथड पे सॉल्व होगा। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर पता कैसे चलेगा एक्सरसाइज 4.4 का है पैरामेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक है या फिर इंप्लीट इक्वेशन का है, इंप्लीट इक्वेशन का टॉपिक हमेशा एक इक्वेशन होती है और उसी इक्वेशन में y भी होता है और x भी होगा। इंप्लीट इक्वेशन की पहचान किया है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y भी हो और x भी हो, जिसमें y भी हो और x भी हो और एक इक्वेशन हुआ करेगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन की पहचान किया है कि y की इक्वेशन अलग होगी, x की इक्वेशन अलग होगी, प्लस दो इक्वेशंस हुआ करेंगी। तीसरी पहचान ही बता देता हूं कि दोनों के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे होंगे वो भी सेम हुआ करेंगे। क्लियर है, पैरामेट्रिक इक्वेशन की पहचान क्या हुआ करेगी, दो इक्वेशंस हुआ करेंगी, x की इक्वेशन अलग होगी, y की इक्वेशन अलग हुआ करेगी। x कभी y की इक्वेशन नहीं आ सकता, कभी y कभी x इक्वेशन नहीं आ सकता, प्लस x की इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y की इक्वेशन भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा। ये बात क्लियर है, क्लियर है बात, आई गेस ये बात अब क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो भाई देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व के ऊपर जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने अपना काम हमेशा देखना है कि भाई एनालाइज करके कौन से टॉपिक का है, अब मुझे पता चल गया टॉपिक कौन सा है, उसके बाद क्या काम करना है, बड़े प्यार के साथ दोनों इक्वेशन को नीचे उतार लो भाई, एग्जाम मुझसे पढ़ लो, मैं हमेशा कहता हूं स्टेप्स के मार्क्स होते हैं बेटा। तो पहले इसको आपने नीचे उतार के नीचे उतार दिया, x इज इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस का कॉस टी क्यूब, और फिर y क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू साइन टी प्लस का 2 कॉस इनवर्स टी। देखो 4.2 के अब तमाम फॉर्मूलाज, तभी तो पढ़ाई थी इतनी डिटेल के अंदर कि मुझे आगे फिर इतने मुश्किल ना आए आप बच्चों को, क्लियर है। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब भाई देखो पहले जो x वाली इक्वेशन है मुझे साफ दिख रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल आ रहा है y वाली इक्वेशन भी आ रहा है, साफ पता चल गया कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका चेन रूल होता है,
और चेन रूल आपसे क्या कहता है कि दोनों इक्वेशंस के ऊपर इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। भाई पहली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो उसके वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, दूसरी इक्वेशन में डेरिवेटिव अप्लाई करो उसकी इक्वेशन की रिस्पेक्ट से, एंड देन उनको इक्वेशंस के नाम दे दो। अच्छा मैं क्या बात कर रहा हूं आइए समझ लेते हैं अभी। पहली इक्वेशन क्या है ये वाली, x इज इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस का कॉस टी क्यूब, किसके रिस्पेक्ट से यहां पे आपको वेरिएबल्स गिवन है, टी के रिस्पेक्ट से, जो कि यहां पे भी है, जो कि यहाँ पे भी नीचे वाली इक्वेशन में भी है। तो भाई डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लोगे, हमेशा टी के रिस्पेक्ट से, यानी कि जो सेम वेरिएबल होगा हमेशा उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख दोगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर वन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर वन। अब देखो इक्वेशन नंबर वन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, जब यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, यहां पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा टी की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टी क्यूब प्लस का कॉस टी क्यूब। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव वाली टर्म दोनों के पास बारी बारी चली जाएगी। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये डेरिवेटिव जो हो रहा है दोनों के पास बारी बारी चला जाएगा। एडिशन रूल में ये तो पढ़ा था भाई, इस बात में थोड़ी कंफ्यूजन होगी आपको इंशाल्लाह। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन साइन टी क्यूब फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑन साइन टी की पावर क्यूब, अच्छा फिर क्या है प्लस का डेरिवेटिव ऑन कॉस टी क्यूब। साफ पता चल रहा है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपको एक बार साइन टी क्यूब के ऊपर, एक बार कॉस टी क्यूब के ऊपर। अब तो मेरे ख्याल में सब चीजें हलवा है, जो बार बार ये बात कहता हूं हलवा, इसीलिए 4.2 के अंदर बहुत मेहनत कर चुका हूं कि भाई अब देखो क्यूब किसके ऊपर आ रहा है, इस फंक्शन के ऊपर आ रहा है। तो सिंपल तरीके से आप साइन का फॉर्मुला ओपन कर दोगे, डेरिवेटिव में साइन के लिए मेरा बेटा क्या फॉर्मुला होता है, डेरिवेटिव में साइन के लिए क्या फॉर्मुला होता है, कॉस, कॉस इनटू फंक्शन। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात खत्म होगी जब डेरिवेटिव ले लोगे किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो भाई लिखेंगे ना इस बात को, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है साइन फंक्शन के ऊपर, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन का डेरिवेटिव के अंदर मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस फंक्शन, फंक्शन क्या है टी क्यूब। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन, तो डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन के ऊपर, क्या है फंक्शन टी क्यूब प्लस का साइन, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है कॉस के ऊपर। मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूलास भी याद करवाए थे, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, माइनस का साइन इन फंक्शन। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन टी क्यूब, और डेरिवेटिव लोगे जब किसके ऊपर मेरा बेटा, फंक्शन के ऊपर। सही है भाई, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा कॉस टी क्यूब, और डेरिवेटिव जब आप ले रहोगे किसके ऊपर बेटा, टी क्यूब के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा थ्री टी स्क्वायर। जब डेरिवेटिव लोगे टी क्यूब के ऊपर तो क्या बन जाएगा, थ्री टी स्क्वायर माइनस का साइन टी क्यूब एज इट इज मेरा बेटा, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने किसके ऊपर, टी क्यूब के ऊपर, डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर, टी क्यूब के ऊपर। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये तो याद हो जाना चाहिए, थ्री टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, थ्री टी स्क्वायर। और ये आपके पास dx ओवर dt का पूरा डेरिवेटिव आ गया, यानी कि पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव हमारे पास ये टर्म आ रही होगी। तो इसको अपनी इक्वेशन नंबर वन कह के मार्क कर लेंगे, इक्वेशन ए कह के, इसको हम इक्वेशन ए कह लेंगे। भाई चेन रूल अप्लाई करने का, पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मुश्किल नहीं है, मैं बहुत तरीके से करवा रहा हूं इसलिए कोई लंबा लग रहा होगा, वरना बिलीव भी बहुत ईजी है भाई। क्या है भाई, दो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन के ऊपर जो सेम वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, अब यही काम इसी टी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड इक्वेशन के ऊपर भी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर जो डेरिवेटिव लेते हैं वो हमेशा सेम वेरिएबल जो होता है उसके रिस्पेक्ट से लिया जाता है। यहां पे दोनों इक्वेशन में क्या चीज सेम थी, टी सेम है, तो भाई इसके ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वेशन वन के ऊपर भी टी के रिस्पेक्ट से, अब इक्वेशन टू के ऊपर भी टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, आइए देख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर टू, और वहां पर जब डेरिवेटिव ले लेंगे हमारी इक्वेशन बी बन जाएगी, एंड देन चेन रूल को अप्लाई करते हुए दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे, बी डिवाइडेड बाई ए, तो हमारा सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। बहुत मजे का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बट पेपर में हर अल्टरनेट ईयर के अंदर हर तकरीबन साल पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन दिए भी होते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस इनवर्स टी, क्या कह रहा है मेरा बेटा, y इज इक्वल टू साइन टी प्लस का 2 cos इनवर्स t, भाई इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट से। तो आइए अप्लाई कर देते हैं, क्या मसले की बात है, तो यहां पे भी ले लेंगे डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से y के ऊपर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव जब मैं ले रहा हूंगा t की रिस्पेक्ट से
साइन टी प्लस का 2 cos inverse t. तो भाई ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव दोनों के ऊपर बारी बारी चला जाएगा. आइए नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं भाई. क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव t, डेरिवेटिव ऑन t, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन साइन t बेटा. और उसके बाद क्या है? प्लस का साइन, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन 2 cos inverse t, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन 2 cos inverse t. सही है भाई? किसके ऊपर? 2 cos inverse t के ऊपर. अच्छा मेरा बेटा, अब क्या करना है? सिंपल तरीका, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे भाई. क्या करना है, क्या मतलब? डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे. तो डेरिवेटिव t के y के ऊपर t की रिस्पेक्ट से, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? sin t के ऊपर. तो मेरा बेटा sin का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है. क्या होता है? cos फंक्शन. cos फंक्शन. और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर. चूंकि यहां पे फंक्शन t है और आप t के ऊपर t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1. तो लिखने की जरूरत नहीं है. और डेरिवेटिव पर अप्लाई करोगे किसके ऊपर? 2 cos inverse t के ऊपर. तो मेरा बेटा 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी जाएगी और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा cos inverse के ऊपर. तो क्या मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास नहीं पढ़ाए? आप बोलोगे सर पढ़ाए हैं. क्या होता है मेरा बेटा cos inverse का डेरिवेटिव में फॉर्मूला? सर याद नहीं आ रहा. हो सकता है आप में से मेजॉरिटी अवाम सोचे. अगर आप में से किसी को याद नहीं आ रहा तो मेहनत करने की शदीद जरूरत है बेटा. cos inverse का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? जो sin inverse का होता है वही cos inverse का होता है. क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर. क्या आ रहा है यहां पे फंक्शन मेरा बेटा? क्या आ रहा है? t आ रहा है. तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस t स्क्वायर एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन t, यानी कि फंक्शन. तो फंक्शन क्या है? t है. तो t के ऊपर t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है. यहां पे भी ले लो, लिख लो. स्टेप चार्ज रह जाएंगे. लिख लो. मैंने यहां पे भी लिख दिया जो cos वाला लेना था. अब सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया इक्वेशन b का. क्या आ गया? dy/dt इज इक्वल टू cos t, डेरिवेटिव ऑन t विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा. तो और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 माइनस r क्या हो जाएगा? माइनस का 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर. और ये आपके पास आ गई मेरा बेटा क्या? इक्वेशन b. अब हमने डेरिवेटिव दे लिया, अब हमारे पास चेन रूल को अप्लाई करने का वक्त आ गया. चेन रूल हमसे बड़ी सिंपल सी बात करता है. हमने क्या करना है? सबसे पहला काम, पैरामेट्रिक इक्वेशन जब गिवन होगी आपको, सबसे पहला काम पहली वाली इक्वेशन पे भी डेरिवेटिव ले लोगे और दूसरी वाली इक्वेशन पे भी डेरिवेटिव ले लोगे और फिर चेन रूल को अप्लाई करेंगे. चेन रूल आपसे क्या कहता है? यहां पे लिख देते हैं अप्लाइंग चेन रूल. चेन रूल बहुत सीधी सी बात करता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt. पहला डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से था? dy/dt, यानी कि y वाला. पहले y वाला लेते हैं और नीचे वाला किसके रिस्पेक्ट से? dx/dt. तो dt से dt क्या हो जाता है? हमेशा कैंसिल आउट. क्या हो जाता है? हमेशा कैंसिल आउट. सिंपल dy की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे और dx की वैल्यू होगी वो लिखेंगे. क्या कहते हैं चेन रूल आपसे? अब चेन रूल को अप्लाई करेंगे. पैरामेट्रिक इक्वेशन का पहला काम क्या होता है? x वाली इक्वेशन के ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना है या पहले वेरिएबल वाली इक्वेशन पे भी डेरिवेटिव ले लेना है और दूसरी इक्वेशन के ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेना है विद द सेम वेरिएबल. जो वेरिएबल सेम आ रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से दोनों इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे और फिर चेन रूल को अप्लाई करने पे जाओगे. चेन रूल बड़ा मासूम वाला रूल है कि भाई चेन रूल आपसे कहता है जो y वाली इक्वेशन होगी उसको ऊपर लिखोगे और जो x वाली इक्वेशन होगी उसको नीचे लिखोगे और सिंपल तरीके से दोनों को डिवाइड करवा दोगे वही आपका आंसर हुआ करेगा. तो भाई y वाली इक्वेशन क्या थी? क्या कह रहे चेन रूल आपसे कि dy/dx करना है आपने, यानी कि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है या y वाली इक्वेशन है उसको ऊपर लिखोगे और जो x वाली इक्वेशन है उसको नीचे रखोगे. जाहिर सी बात है दोनों में नीचे dt/dt आ रहा होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास सिंपल तरीके से y वाली इक्वेशन की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा? ये आ रही है आपके पास cos t माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर डिवाइड का सिंबल और dx यानी कि x वाली इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है हमारे पास, ये रही क्या आ रही है भाई? cos t क्यूब और बाहर क्या मौजूद है? 3t स्क्वायर प्लस का साइन और फिर क्या है? माइनस का साइन t क्यूब इंटू 3t स्क्वायर. फिर क्या है? माइनस का साइन t क्यूब इंटू 3t स्क्वायर. तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा dy/dx का जो कि हमें फाइंड करना था. मेरा बेटा चेन रूल के जरिए इसको हमने सॉल्व करा है. पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमेशा चेन रूल के जरिए सॉल्व होती हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है. इजी सा क्वेश्चन है कि भाई हमेशा पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर आपको दो इक्वेशंस गिवन हुआ करेंगी.
ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन हुआ करेंगे, इन दोनों में हमेशा वेरिएबल सेम होगा। अगर सेम होगा तभी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, वरना पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं है। तो आप हमेशा क्या किया करेंगे, पहली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लिया करेंगे जो भी सेम आपकी टर्म होगी उसके रिस्पेक्ट से, दूसरी इक्वेशन में भी डेरिवेटिव लिया करेंगे इजी होके, और फिर सेकंड इक्वेशन हमेशा डिवाइड करवा दिया करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस तरीके से क्या हो जाया करेगा, आपका dy / dx का आंसर आ जाया करेगा। नॉर्मली फर्स्ट इक्वेशन x रिस्पेक्ट से गिवन होती है और दूसरी इक्वेशन y के रिस्पेक्ट से। तो क्या किया करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बन जाया करेगा dy / dx। इस तरीके से हम बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चूंकि पहला क्वेश्चन था, आई गेस सबको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा, मेरी तरफ से 100% कोशिश है तमाम लोगों को क्लियर हो। नहीं भी क्लियर हुआ किसी को, अगले क्वेश्चन को समझते हैं इंशाल्लाह, और कोई मसले मसाले होंगे तो वो भी क्लियर होंगे आप लोगों के। अच्छा भाई, अब आपके पास आ रहा है, सर इतनी मुश्किल इक्वेशन, x is equal to ln t plus sin t, y is equal to e t plus cos t, सर इतनी मुश्किल इक्वेशन सर कैसे करेंगे, मेरा बेटा अगर मुझसे पढ़ा हुआ है ना तो ये बहुत आसान टर्म्स हैं, अब इनको देख के परेशान नहीं होना। अगर तो पहली बार पढ़ रहे होते तब परेशान होने की जरूरत थी, अब ये कोई चीज परेशान होने वाली बात नहीं है। पहला काम क्वेश्चन को देखते आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि भाई क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। साफ पता चल रहा है कि दो इक्वेशन गिवन है, तो भाई पहला क्लिक क्या हो गया, पहली एजम्पशन आ गई कि भाई ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैट्रिक इक्वेशन की दूसरी कंडीशन क्या होती है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां पे भी टी गिवन है, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी है, सही है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्म हो गई हमारी बात कि ये पर्टिकुलर इक्वेशंस पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो इनको पैरामेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा तो मेरा बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का क्या फॉर्मूला होता है और क्या नहीं होता, दोबारा से अप्लाई करते हैं भाई, क्या मसले की बात है। हाँ तो भाई बेटा, पहले इक्वेशन को आप क्या कह दोगे, क्वेश्चन को पहले एक बार उतारोगे, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं भाई, पहले हमेशा कहता हूँ मुझसे पढ़ो, मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन को एक बार आप उतारोगे पहले, और फिर पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दोगे। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों उतारा, तो मेरा बेटा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है इसलिए मैं नहीं उतार पाया, बट आपका उतारना फर्ज है क्योंकि आपको मार्क्स मिलने हैं इसके ऊपर। अच्छा अब भाई देखो क्या वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम आ रहा है, टी का आ रहा है, तो पहली इक्वेशन में भी डेरिवेटिव लोगे टी की रिस्पेक्ट से और दूसरी इक्वेशन के ऊपर भी डेरिवेटिव ले लोगे किसकी रिस्पेक्ट से, टी की रिस्पेक्ट से। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे, यहां पे आप लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर 1, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर 1, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जब मैं टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, तो मेरा बेटा क्या बन रहा होगा, यह बन रहा होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल डेरिवेटिव ऑन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहां पे क्या बन रहा होगा डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से लूंगा, तो ये पूरी इक्वेशन पे डेरिवेटिव आ जाएगा ln t प्लस का साइन टी, ब्रैकेट ओपन होगा, डेरिवेटिव वाली टर्म बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। जब डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव एल t की रिस्पेक्ट से ln t के ऊपर एक बार जाएगा, और फिर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t एक बार sin t में भी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन sin t। अच्छा मेरा बेटा ln t के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है, ln t का क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, कितनी बार पढ़ा चुका हूं, क्या कहता है ln का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, क्या कहता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, क्या है इसका फंक्शन t है, तो क्या फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव का, ln का क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, इसका फंक्शन क्या आ रहा है बेटा, t आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय t, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी डेरिवेटिव जब आप लोगे फंक्शन का, फंक्शन क्या है t है, तो डेरिवेटिव t के ऊपर t की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, पर फिर भी मैं शो कर देता हूं ताकि आपके स्टेप्स रहे सही, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। और फिर sin t के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो मेरा बेटा क्या होता है sin का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, आप बोलोगे सर बहुत ही आसान होता है सर, अब तो याद हो गया हमें, क्या होता है sin का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, आपको याद आ जाना चाहिए जब मैं बोलूं, अगर आपको याद आता है इसका मतलब आप तैयारी अच्छी हो आपकी, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो बेटा। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर, यह होता है आपके पास कॉस फंक्शन, क्या फंक्शन है यहाँ पे टी, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है जब डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का, फंक्शन क्या है टी, टी के ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ही अप्लाई होगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू वन आएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन टी, डेरिवेटिव ऑन टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, प्लस का cos t, और डेरिवेटिव ऑन t विद रिस्पेक्ट टू t अगेन 1 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली dx डिवाइडेड बाय dt की क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, 1 ओवर t प्लस का cos t, इसको आप इक्वेशन a कह दोगे। सेम काम हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, यानी कि जो सेम वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, कौन सा वेरिएबल सेम आ रहा है, t आ रहा है, तो t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे आप
किसके ऊपर? सेकंड इक्वेशन के ऊपर। तो इस बात को आप यहां पे लिख देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। तो इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे बेटा हम लोग, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पे भी हो जाएगा और इस तरफ भी राइट हैंड साइड के ऊपर भी डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से ले लिया जाएगा, e की पावर टी प्लस कॉस टी के ऊपर। वेरी गुड। फिर यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन रहा होगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डेरिवेटिव इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर चला जाएगा, यहां पे भी चला जाएगा मेरा बेटा। ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी ऑन कॉस टी। अच्छा अब देखिए भाई, यहां पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी अप्लाई कर रहे हो e की पावर टी के ऊपर। तो मैंने क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया था नेचुरल एक्सपोनेंशियल का, क्या फॉर्मूला था भाई? नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या कहता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, कि भाई जो भी आपको क्वेश्चन उसको एज इट इज एक बार लिखो। क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था? मैंने कहानी की तरह याद करवाया मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूला आपको। मैंने क्या पढ़ाया था? कभी भी किसी भी डेरिवेटिव को अप्लाई करना हो नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर तो अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखो। क्या है क्वेश्चन? ये e की पावर t और फिर डेरिवेटिव ले लो उसकी पावर के ऊपर। तो डेरिवेटिव पावर क्या आ रही है? t आ रहा है। तो डेरिवेटिव जब लोगे t के ऊपर t की रिस्पेक्ट से तो ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो डेरिवेटिव ऑन ex या फिर et विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन फंक्शन हमेशा उसके वही आंसर ही आता है जिसका क्वेश्चन होता है। यानी कि डेरिवेटिव कभी भी आप अप्लाई कर दो ex के ऊपर xt रिस्पेक्ट से तो उसका आंसर हमेशा ex ही आएगा। ये बात तो पहले भी मैं रेलेवेंट एग्जांपल्स में पढ़ा चुका हूं आपको। कभी भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो ey के ऊपर, e की पावर y के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर ey आएगा। यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर कभी भी आप डेरिवेटिव लेते हो उसी के फंक्शन की रिस्पेक्ट से तो हमेशा ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आता है? वो सेम टर्म ही आ रही होती है बार बार रिपीट होके। अच्छा प्लस का साइन और फिर डेरिवेटिव आप लोगे किसके ऊपर मेरा बेटा? cos t के ऊपर। cos का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? आई गेस सबको याद होगा अब तो भाई, क्या होता है? माइनस का साइन और फंक्शन और फिर डेरिवेटिव लिया जाता है फंक्शन के ऊपर एक बार, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बन रहा होगा माइनस का साइन टी ऑन देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो भाई मेरे पास जो इक्वेशन नंबर टू आ रही होगी उसको एक बार लिख लेंगे यहां पे। क्या आ रही होगी मेरा बेटा इक्वेशन नंबर टू? क्या सबको याद आ गई? क्या हो जाएगा? e की पावर t एज इट इज, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ रहा है? e की पावर t d, जब डेरिवेटिव लेंगे t के ऊपर t की रिस्पेक्ट से तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। और फिर माइनस का साइन t एज इट इज, फिर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? माइनस का साइन t। तो इसका ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर टू। और ये क्या थी? dy by dt थी। इसको क्या के नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। तो अब क्या अप्लाई करेंगे? चेन रूल। पैरामेट्रिक इक्वेशंस करने के क्या स्टेप होते हैं मेरे बेटे? आप तो स्टेप याद हो जाने चाहिए आपको। पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या स्टेप होते हैं? पहली वाली इक्वेशन के ऊपर सेम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, इक्वेशन ए कह देना है। फिर दूसरी इक्वेशन के ऊपर सेम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, इक्वेशन बी कह देना है। और फिर सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर देना है ताकि आपके पास सिंपल तरीके से dy by dx का आंसर आ जाया करेगा। तो भाई क्या अप्लाई करेंगे? एग्जामिनर को यहां पे शो करेंगे कि भाई क्या अप्लाई करने वाले हैं? अप्लाइंग चेन रूल या अप्लाइंग चेन रूल या टेकिंग चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल आपसे? चेन रूल आपसे कहता है कि भाई बड़ा सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपको dy by dx निकालना है तो क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दोगे। जाहिर सी बात है जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या है? dy by divided by dt होता है। सेकंड इक्वेशन में क्या है आपके पास? dy divided by dt है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है? dx डिवाइडेड बाय dt होगा। क्या होगा? dx डिवाइडेड बाय dt। dt से dt कैंसिल आउट क्योंकि सेम वेरिएबल बेस टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से dy बाय dx का क्या आंसर आ रहा होगा उसको एक बार लिख देंगे। क्या आ रहा होगा? उसको एक बार लिख देंगे dy बाय dx को। तो सेकंड इक्वेशन का क्या आंसर है हमारे पास? e की पावर t माइनस का sin t। अच्छा और पहली इक्वेशन की क्या वैल्यू आ रही थी? 1 डिवाइडेड बाय t प्लस का cos t। क्या आ रही थी मेरा बेटा? 1 डिवाइडेड बाय t प्लस का cos t। तो भाई ये सिंपल सा आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या चीज मुश्किल है? मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई चीज मुश्किल है। अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 समझ में आई हुई है तो मैंने क्या कहा था? हलवा बनाना वहां भी सीखा है, यहां पे सिर्फ हलवे को खाना है भाई। तभी 4.2 पे इतनी मेहनत करी थी। अगर सोचते थे क्यों मेहनत कर रहा हूं इतनी, तो भाई उसकी मेन रीजन यही थी। बच्चा टॉपिक जब पहली बार पढ़ता है तो कंफ्यूज होता है, अगर उसकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए तब उसको कभी मसला नहीं होगा। तो भाई सिंपल सा पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी आपको दो इक्वेशंस गिवन हुआ करेंगी उन दोनों के ऊपर सेम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया करेंगे। एक को पहली इक्वेशन कहा करेंगे, दूसरी को दूसरी इक्वेशन कहा करेंगे और फिर वाई वाली इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया करेंगे एक्स वाली इक्वेशन के साथ। तो सेम फैक्टर कैसे आउट हो जाया करेगा और सिंपल तरीके से बड़े मजे से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। और इस
डिवीजन को हम कहते हैं चेन रूल कहते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में बेतहाशा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं इसको। यहां पे आई गेस लिखा होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यस इधर होगा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन कंप्लीट अब हुआ है सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आया। मेरा बेटा अगर मुझसे पढ़ लो तो मैं हमेशा पढ़ाने के अंदाज के अंदर ये बात हमेशा जहन में रखता हूं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन होते हैं उनको लास्ट 7-7 मार्क जरूर करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको अगेन दो इक्वेशन दी जा रही है, x is equal to a theta minus sin theta और y is equal to a1 minus cos theta। अब क्वेश्चन को देखने के साथ सबसे पहला काम क्या करना है, एनालाइज करना है। अब देखो मेरा बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आ चुका है, एज ए टीचर जब मैं आपसे कह रहा हूं तो ऑब्वियसली सही बात ही कह रहा हूं। अब बच्चा इस क्वेश्चन को देख के बहुत कंफ्यूज होता है, तभी एग्जामिनर का इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा फेवरेट होते हैं। अगर आप सोच रहे थे ना कि मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को नहीं करवाए तो उसके पीछे रीजन क्या थी, उनके अंदर वैल्यूज गिवन होती है, तो पहले आपकी बेस बनाना जरूरी था। अब जब दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो ऑब्वियसली बाकी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ सकते हैं। अब बच्चा इन क्वेश्चन को देख के पहले घबरा जाता है, उसकी दो रीजन है, मैं दोनों रीजन बारी बारी शेयर करूंगा। देखो मैं नॉर्मली वो क्वेरीज हमेशा शेयर करता हूं जो मैंने इतने रिसेंट ईयर्स के अंदर जब बच्चों को टीचिंग करता था, बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते थे, तो ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल क्लासेस वाला मोमेंटम बरकरार रखता हूं। तो बच्चा पहले जब इस क्वेश्चन को देखता है पहले उसके जहन में आता है, सर ये पता कैसे चल रहा है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है, सर अच्छा 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 सर आपने बताया था दो इक्वेशंस होंगी, सर जो यहाँ पे आपको सेम वेरिएबल भी होना चाहिए, मगर सर यहाँ पे तो एंगल गिवन है, सर थीटा गिवन है, सर क्या वेरिएबल सेम है। पहला उसका बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे ये AA क्या चीज है, सर ये वेरिएबल है, ये AA क्या चीज है सर। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर बच्चे के जहन में इस क्वेश्चन को देख के आता है, सर इसका क्या मतलब है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, सर क्या मतलब थीटा के अंदर पाई बाय 2 डाल देंगे हम लोग, सर क्या मतलब इसका, सर ये तो समझाएं आप। तो बच्चा इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज होता है, तभी एग्जामिनर को ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 से। मेरा बेटा मैं 7-7 तमाम क्वेश्चन को मार्क करवाता जाता हूं जो पेपर में बेतहाशा बार आए हुए, तो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता हूं पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो। जब आप पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन बेतहाशा बार वहां पे दिख भी रहे होंगे। अब देखो मैं आपके बारी बारी इन तमाम क्वेरीज का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये यस ही पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दूसरी बात ये थीटा यहां पे एज अ वेरिएबल आ रहा है, एज अ फंक्शन आ रहा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है ये थीटा एंगल होता है या नहीं होता, एंगल होता है आपको पता है ना, अच्छी बात है पता रखो भाई। ये थीटा यहां पे एज अ फंक्शन आ रहा है तो आपने उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, और ये फंक्शन दोनों उसमें आ रहा है तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन में कहीं ये नहीं पढ़ा कि थीटा नहीं आ सकता, हमने मैंने कहीं ये नहीं पढ़ाया, मैंने कहीं पढ़ाया ये बात कि थीटा ऐसा फंक्शन नहीं आ सकता, भाई थीटा भी फंक्शन आ सकता है, आप किसी भी टर्म को फंक्शन कह सकते हो। तो क्या यहाँ पे दोनों फंक्शन का सेम होना शर्त है, तो क्या फंक्शन सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशन की कंडीशन ये नहीं कहती कि थीटा आ सकता है नहीं आ सकता, वो सिंपल सी बात करती है कि भाई दो इक्वेशन होनी चाहिए और दोनों इक्वेशन में आने वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब थीटा एज अ फंक्शन आ रहा है तो सेम आ रहा है भाई, क्या मसले की बात है। अब वो एंगल होता है नहीं होता वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दो क्योंकि वो तो एंगल है, उसके जाती नेचर है भाई, उसको क्या कह सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, आपके जहन में आ रहा होगा ये AA क्या है, बेटा ये A और A कांस्टेंट है, ये AA क्या है, वेरिएबल नहीं है। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा सर ये A जो आ रहा है वेरिएबल आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, उसके दो रीजन है भाई। नॉर्मली A और B जब इक्वेशन में आ रहे होते हैं डेरिवेटिव्स के टॉपिक के अंदर, इंटीग्रेशन टॉपिक, वो एज अ कांस्टेंट ही आ रहे होते हैं, और आप इसको कई दफा देख भी चुके हो, मैंने कई तरह की एग्जांपल्स भी करवा चुका हूं, मैंने अभी तक हजारों या कम से कम 100 अबव या 200 अबव तो एग्जांपल्स करवाए भी होंगे आपको डिफरेंट रेलिवेंट एग्जांपल्स वगैरह। तो भाई ये A क्या आ रहा होता है आपके पास, नॉर्मली एज अ कांस्टेंट आ रहा होता है, और इसको A और B को हम एज अ कांस्टेंट शो करते हैं जनरल टर्म के अंदर। क्लियर है? दूसरा मैंने दूसरा आपके जहन में जो क्वेरी आ रही होगी वो भी हल कर दी। तीसरे नंबर के ऊपर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 की एक मसला आता है बच्चों को, तो आपने इसको देख के भी घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करो। जब क्वेश्चन फाइनल स्टेज के ऊपर आ जाएगा, जब लास्ट में आंसर निकाल लोगे तब थीटा की वैल्यू डालते हैं हमेशा, जब लास्ट में आंसर डाल देंगे, जब लास्ट में आंसर निकाल लेंगे तब ये थीटा की वैल्यू लास्ट में डालनी है, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो आई गेस मैंने आपके जहन में जो तीन तरह के मसले आ रहे होंगे उन तीनों को सॉल्व कर दिया, आई डोंट थिंक अभी क्वेश्चन मुश्किल लगना चाहिए आपको। अच्छा तो अब आई गेस मैंने आपकी तीनों क्वेरीज सॉल्व कर दी है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं भाई। देखो पहली वाली इक्वेशन क्या होती है, आपकी इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टेप के साथ करना होता है, आप क्वेश्चन को एक बार उतारोगे, मैं इसलिए उतार रहा हूं ऑब्वियसली टाइम की शॉर्टेज होती है, मुझे कई तरह के क्वेश्चन करवाने होते हैं, बट आपको मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स ही चाहिए, सही है ना भाई।
तो मैं एक क्वेश्चन तरीके से करवा चुका हूं, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको मैं गाइड करता जा रहा हूं। अब आपने पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन वन कह दिया और दूसरी को इक्वेशन नंबर टू कह दिया। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, मैंने क्या कहा जो सेम टर्म होगी, क्या सेम वेरिएबल है दोनों इक्वेशन के अंदर, थीटा। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन के ऊपर किसके रिस्पेक्ट से आप लोगों बेटा डेरिवेटिव, थीटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के अंदर जो सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा, थीटा आ रहा है। तो पहली वाली इक्वेशन पे ले लेंगे डेरिवेटिव पहले, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर वन, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर वन। तो क्या बन जाएगा, जब डेरिवेटिव लूंगा मैं थीटा के ऊपर, पहली इक्वेशन के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से, तो भाई यहां पे क्या बन जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या आ रहा है, ए थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा ये ए क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमेशा पहले लिखी जाती है और डेरिवेटिव सिंपल तरीके से टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्या है भाई अंदर, थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब डेरिवेटिव आप किसी कांस्टेंट टर्म पे लेते हो उसका आंसर जीरो होता है, और जब कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मिलकर आ रही होती है तो कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी जाती है और डेरिवेटिव डायरेक्टली फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। अभी जब इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे इसका उल्टा होता है, पहले बता रहा हूं। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के लिए बल्कि एप्टीट्यूड के लिए भी। जाके देखो कितने डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स होते हैं आपके। तो इंशाल्लाह जब अभी इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आप लोगों को, तभी कि आपका पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो भाई कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी गई और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से थीटा और साइन थीटा के ऊपर, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव मेरा बेटा थीटा के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली एक बार थीटा के ऊपर, और फिर डेरिवेटिव दूसरे वाले टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का ए एज इट इज। मेरा बेटा थीटा के ऊपर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा, माइनस का साइन। साइन थीटा के ऊपर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, साइन का डेरिवेटिव में मेरा बेटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस। कॉस फंक्शन के ऊपर क्या फंक्शन है, थीटा फंक्शन है। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर, क्योंकि फंक्शन थीटा है तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा थीटा के ऊपर। तो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन नंबर वन का डेरिवेटिव आ जाएगा कि डी एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि डी थीटा के ऊपर, थीटा के ऊपर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर है भाई, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। आइए अब दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट से मेरा बेटा, थीटा की रिस्पेक्ट से। क्यों थीटा की रिस्पेक्ट से लेंगे, टी की रिस्पेक्ट से क्यों नहीं लेंगे, हमेशा सेम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो क्या सेम वेरिएबल आ रहे हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर, थीटा आ रहा है। भाई ए सेम वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट नंबर है, इस बात को अपने जहन में लाजमी रखिएगा आप लोग। तो क्या कर देंगे, यहां पे डेरिवेटिव ले लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर टू। ओके भाई, इक्वेशन नंबर टू के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं इक्वेशन नंबर टू आपसे, ये आपसे सिंपल सी बात कर रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, वाई के ऊपर डेरिवेटिव ले लेना है थीटा की रिस्पेक्ट से। तो यहां पे भी ले लेंगे भाई, तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से एक कॉन्स्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दोगे थीटा की रिस्पेक्ट से, वन माइनस कॉस थीटा के ऊपर मेरा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा होगा हमारे पास a एज अ कॉन्स्टेंट नंबर पहले आ गया, ब्रैकेट ओपन होगा, डेरिवेटिव दोनों टर्म के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस का साइन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन कॉस थीटा। तो भाई a का a एज इट इज, डेरिवेटिव वन के ऊपर क्या होगा, वन क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर के ऊपर डेरिवेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है मेरा बेटा, जीरो। माइनस का साइन एज इट इज, कॉस थीटा पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस का मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था डेरिवेटिव के अंदर आपको, कि डेरिवेटिव के अंदर कॉस का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, माइनस का साइन थीटा या माइनस का साइन इनटू फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। क्या बन जाएगा, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, माइनस का साइन ऑन फंक्शन, क्या है फंक्शन यहां पे, थीटा, तो माइनस का साइन थीटा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी, डेरिवेटिव लोगे इसके फंक्शन के ऊपर जो कि थीटा है, डेरिवेटिव थीटा के ऊपर थीटा के रिस्पेक्ट से। तो भाई क्या आपके पास इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन ए की सही, इक्वेशन ए हमारे पास बन गई थी ना, तो आपके पास इक्वेशन बी फाइनली क्या आ रही होगी, कि डी वाई बाई डी थीटा क्या आ रही होगी मेरा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू का साइन, और फिर ए
सही है ए ब्रैकेट के अंदर जीरो को लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे क्या मौजूद है साइन थीटा, आगे क्या आ जाएगा सिंपल साइन थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव थीटा के ऊपर थीटा के रिस्पेक्ट से तो वन हो जाएगा, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव ये बन रहा होगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव भी निकाल लिया और सेकंड इक्वेशन से भी डेरिवेटिव निकाल लिया, अब अप्लाई कर देंगे चेन रूल को। चेन रूल का कहता है सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन या फिर वाई वाली इक्वेशन डिवाइड बाय एक्स वाली इक्वेशन, सिंपल सा चेन रूल है भाई। पता नहीं बच्चों ने इतना हवा बनाया हुआ तो कितना मुश्किल रूल होगा भाई, कोई मुश्किल रूल नहीं है चेन रूल। क्या कहते हैं आपसे चेन रूल के सिंपल तरीके से वाई वाली इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है एक्स वाली इक्वेशन के साथ, क्या मसले की बात है मेरा बेटा इसके अंदर। तो भाई क्या करवाएंगे सिंपल तरीके से dy by d थीटा को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ dx by d थीटा से, d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्या आ रहा होगा dy by dx, तो यहां पे लिखेंगे dy by dx equal to सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास a into sin theta divided by फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है a into 1 minus cos theta। अच्छा तो मेरा बेटा a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली dy by dx का क्या आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा dy by dx is equal to sin theta divided by 1 minus cos theta, sin theta divided by 1 minus cos theta, ये आपका ऑल द फाइनल आंसर आ गया। मगर यहां पे इस क्वेश्चन में आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज भी तो गिवन है, अब यूज करेंगे इस चीज को। क्या क्वेश्चन कह रहा था एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पहला काम क्या करना है सिंपल तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, जब फाइनल आंसर आ जाए तो क्वेश्चन में आपको थीटा की जो वैल्यू गिवन है उसको अपलोड कर देंगे, उसको डाल देंगे। भाई थीटा की क्या वैल्यू गिवन दी हमें अब, तो यहां पर लिख देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है पाई बाय 2, तो जहां जहां थीटा आ रहा है वहां पे जरा पाई बाय 2 डाल दो मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास dy by dx इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस का cos पाई बाय 2, क्या बन जाएगा 1 माइनस का cos पाई बाय 2। अब मेरी बात जरा और सुनिएगा, आपने क्या करना है जब कभी क्वेश्चन में आपको किसी टर्म की वैल्यू गिवन हुआ करे सिंपल तरीके से आप उसका आंसर निकालोगे एंड देन फाइनली उस वैल्यू को पुट कर दोगे, तो आपने जब पुट कर दिया तो साइन थीटा के अंदर क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का कॉस पाई बाय 2। तो मेरा बेटा क्या आपको ये बात नहीं पता कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, आई गेस पता होगी भाई क्या होती है साइन पाई बाय 2 की वैल्यू, साइन 90 की, पाई बाय 2 का मतलब क्या, कौन सा एंगल गिवन है मेरा बेटा फर्स्ट ईयर पढ़ के आए वो मुझे मुझसे मुझे पूछना कैसे कर रहे हैं पाई बाय 2 क्या होता है मेरा बेटा, पाई बाय 2 आपके पास इसको कन्वर्ट करोगे जब डिग्री की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लोगे क्या होती है, ऑल दो बच्चे को पता होनी चाहिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1 पर आ जाएगा 1 और नीचे 1 का 1 एज इट इज माइनस का साइन, cos 90 की वैल्यू या फिर cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 0। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा कि dy by dx इक्वल टू 1, क्या आ रहा होगा dy by dx इक्वल टू 1। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट था, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे, जो क्वेरीज होती है वो क्वेरीज भी हल करवाई, जो जहन में मसले आ रहे होंगे उन जहन के मसलों को भी हल करा मैंने, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट भी सिंसियरिटी से पढ़े और वो भी कामयाबी हासिल करे। सिंपल तरीके से हमें डेरिवेटिव लेना है जो सेम वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से, चेन रूल को अप्लाई करोगे, चेन रूल का कहता है y वाली इक्वेशन को ऊपर रखो x वाली इक्वेशन को नीचे रखो दोनों को डिवाइड करवा दो, जो टर्म सिंपलीफाई हो रही है सिंपलीफाई करवा दो, तो यहां पे सिंपल आपका आंसर आ गया था। बट चूंकि यहां पे आपको थीटा की वैल्यू भी गिवन थी तो हमने क्या करा, हमने थीटा की वैल्यू को भी अपलोड करा एंड देन फाइनली कट एंड पीटी वगैरह करके सिंपल तरीके से dy by dx की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा के अंदर साइन पाई बाय 2 रखा, cos थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 डाली, सिंपल तरीके से वैल्यू निकाल ली, हमारे पास dy by dx का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरा बेटा यहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के हाफ से ज्यादा कंप्लीट कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकाया एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर रहे होंगे हम लोग इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम साइनिंग ऑफ।